रेगुलरिटी भी कंटिन्यूटी के रिलेटेड ही है, यानी कांस्टेंट नहीं किया, रेगुलर नहीं किया, कोई दिन दुकान बंद कोई दिन दुकान शुरू। तो ऐसा बिजनेसमैन है, उसकी बिजनेस का जो कार्य है उसको भी बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। जो कहते हैं ना मन मौजी बिजनेसमैन, या फिर कोई समझ लो कि एक बार में इतना कमा गया कि पूरे साल की शांति। फिर है सप्लाई और डी पॉइंट है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कॉमर्स सॉरी इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। यानी कि आपने कोई नया धंधा शुरू किया या फिर पुराना धंधा बंद किया, उसके रिलेटेड आपने कोई गुड्स सप्लाई किए या फिर गुड्स प्राप्त किए, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे वो धंधा शुरू कर रहे थे, हमें कैपिटल गुड्स भी लाना पड़ता है, कैपिटल असेट, समझ लो कि ये मैं क्लासेस का धंधा कर रहा हूँ तो ये बोर्ड मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, तो वो कैपिटल गुड्स लाया, या फिर कैपिटल गुड्स उसके वाइंडिंग अप के टाइम बेच दिया कमेंस यानी कि क्लोजर ऑफ बिजनेस के टाइम पे, तो उसको भी बिजनेस एक्टिविटी कहा जाएगा। फिर प्रोविजन बाय अ क्लब ई पॉइंट है, प्रोविजन बाय अ क्लब एसोसिएशन सोसाइटी और एनी अदर बॉडी ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन। क्लब है, एसोसिएशन है, सोसाइटी है, और एनी सच बॉडी। फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है, सब्सक्रिप्शन या फिर और कोई कंसिडरेशन। फ्री में है तो वो बिजनेस नहीं किया जाएगा, और एनी अदर कंसिडरेशन। अब क्लब का मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे अहमदाबाद में एक क्लब है कर्णावती क्लब, एक है राजपथ क्लब, उसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन यानी कि वन टाइम सब्सक्रिप्शन होता है, कोई कोई बार सालाना सब्सक्रिप्शन होता है ईयरली, तो उसको लेके वो कंसिडरेशन हो गया, और उसके रिटर्न में क्लब ने राजपथ क्लब कर्णावती क्लब ने क्या सर्विसेज दी, स्विमिंग पूल दिया, फिर मैरिज हॉल दिया एटसेट्रा, ऐसा बहुत सारी फैसिलिटीज है तो वो दिया। या कोई एसोसिएशन है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे गुजरात के सारे बिजनेसमैन की एक चैम्बर यानी कि एक इंस्टीट्यूशन बना गया है जो उसके मेंबर्स को सर्विस देती है, कई कई बार ट्रेनिंग देती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, कई नए प्रोडक्ट आती है चाइना को कम्पीट कैसे करना वो सारी चीज़ें सिखाती है, उसको एसोसिएशन कहते हैं, सोसाइटी। सोसाइटी भी बहुत सारी होती है, जैसे कि हर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है, आप जो फ्लैट्स में रहते हो या सोसाइटी में रहते हो उसकी भी एक सोसाइटी बनती है, और वो भी अपने मेंबर्स से कुछ चार्ज लेती है, तो उसको भी बिजनेस कहा जाएगा, और एनी सच बॉडी। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, जो मेंबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन यानी कोई कंसिडरेशन देते हुए जरूरी है, फ्री में है तो उसको नहीं किया जाएगा बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड। और है एफ एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस। एग्जाम्पल म्यूजियम, थिएटर,
डांस शो, अरिजीत सिंह की पार्टी, म्यूजिक शो, जस्टिन बीबर मुंबई में आया था, लिप सिंगिंग करके चला गया, क्या पता 10,000 रुपये शायद टिकट थी उसकी। थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो तो आपको एडमिशन मिलता है उसकी प्रीमाइसिस में, प्रीमाइसिस यानी बिल्डिंग में, उसकी जगह में। म्यूजियम में जाते हो तो भी आपको वो एंट्री देता है म्यूजियम के अंदर, फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसिस, उसके अंदर आपको एंट्री मिलती है, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइस, एडमिशन यानी एंट्री। तो ये जो थिएटर वाले मूवीज दिखाते हैं, डांस शो वाले भी जो दिखाते हैं, उसको भी सप्लाई की बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। फिर आगे है सर्विसेज जी पॉइंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 क्लॉज 7 जी, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। कोई बिजनेसमैन है, वो कोई ऐसी पोजीशन लेता है, ऑफिस की पोजीशन लेता है, समझ लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है, डायरेक्टर बनता है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर एच है सर्विसेज प्रोवाइड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और अ लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब एंड। तो आप रेस क्लब होती है, घोड़े दौड़ते हैं और घोड़ों की रेस लगती है, उसमें एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसको टोटलाइजेटर कहते हैं। टोटलाइजेटर उसका मतलब कंप्यूटर दैट रजिस्टर बैट्स, कंप्यूटर सिस्टम से सारी जो बैट शर्त होती है वो रजिस्टर होती है, उसको भी जो क्लब की टोटलाइजेटर की सर्विस है या लाइसेंस टू बुक मेकर उसकी सर्विसेज को भी बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। या फिर है एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज। अब पब्लिक अथॉरिटीज कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी, सूरत म्यूनसिपालिटी, दिल्ली म्यूनसिपालिटी, बीएमसी यानी बृहत मुंबई कॉरपोरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो एक्टिविटीज़ करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटीज उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन ऐसे है कि जो गवर्नमेंट है अपनी सॉवरेन एक्टिविटीज करती है, सॉवरेन, उसको एक्सक्लूड किया गया है, इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस। सॉवरेन एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, जस्टिस यानी कि कोर्ट चलती है, फिर सोल्जर यानी कि आर्म्ड फोर्सेस है, नेवी है, फिर जो एयरफोर्स है या फिर जमीन पे जो हमारी सेना चलती है, वो तीनों सेनाओं को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। फिर इलेक्शन, अब वोटर वोटिंग कार्ड का लिस्ट बनाना, वोटिंग लिस्ट बनाना जो वोटर्स का है और सबको सबके घर पे जा जाके वो जो अधिकारी आते हैं और आपका नाम वोटिंग के लिस्ट में डालते हैं, या फिर आप किसी दूसरी जगह रहने चले गए हो तो आपका नाम डिलीट कर देते हैं, तो उस सर्विसेज को सॉवरेन एक्टिविटीज, सॉवरेन एक्टिविटीज यानी एक्सक्लूसिव राइट्स विद गवर्नमेंट, वो एक्टिविटी और कोई नहीं कर सकता। No other person can do it that particular activity. तो sovereign activities को business की definition में include नहीं किया गया है। अब direct आते हैं principal, principal और agent का relation होता है, जो principal की definition है section 2 subsection 88. Principal means a person on whose behalf an agent carries on business of supply or receipt of goods or services or both. सप्लाई करता है एजेंट या फिर रिसीव करता है क्या, सर्विसेज या गुड्स या दोनों, किसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में यानी उसके मालिक के बिहाफ में।
फिर कंसीडरेशन की डेफिनेशन है, कंसीडरेशन की डेफिनेशन का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। अब नॉर्मल डेफिनेशन है समथिंग इन रिटर्न, जो हम सीपीटी में बचपन में पढ़ते थे, समथिंग इन रिटर्न। इसको थोड़ा इलेबोरेट किया है, समथिंग इन रिटर्न यानी कि मैं आपको कुछ देता हूँ उसके बदले में आप मुझे कुछ देते हो, मैं आपको पढ़ाने की सर्विस देता हूँ आप मुझे 13,000 रुपये की फीस देते हो, मैं आपको मार्कर बेचता हूँ आप मुझे 20 रुपये देते हो, मैं आपको कैलकुलेटर देता हूँ आप 200 रुपये देते हो। लेकिन इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, अदरवाइज यानी काइंड, काइंड यानी चीज देना। मैंने आपको कैलकुलेटर दिया, आप मुझे कोई और चीज दोगे, समझ लोगे चेयर दोगे, ट्यूबलाइट दोगे, कुछ भी दे सकते हो या कोई सर्विस देते हो। और अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन हु बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आपने कोई चीज दी सामने, कोई चीज या पैसे लिए, पैसे दिए कोई चीज ली इस तरह, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है उसको कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट डालोगे रूरल एरिया में तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, या फिर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान खरीदते हो तो 2,67,000 तक की आपको लोन सब्सिडी मिलती है। तो ये हो गया नॉर्मल सा समथिंग इन रिटर्न विच कैन बी आइदर इन मनी और दैट इज सम करेंसी और सम काइंड दैट मीन समथिंग और सम सर्विस। दूसरा है उसका सब क्लॉज है बी, ये तो ए हो गया, और दूसरा है बी, वो है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस। एनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस इन रिस्पेक्ट और इन रिस्पॉन्स टू फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक्ट और फॉरबेरेंस। आप कुछ करते हो या फिर कुछ करने से रुक जाते हो और उसके बदले में क्या मिलता है आपको, वो किस इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू क्या है, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसके कारण आपको क्या मिलता है। आपने ये कुछ कार्य किया एक्ट या फिर कुछ नहीं किया, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, तो वो मिलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड। यानी कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ वो किन को मिला, आपको मिला, रिसिपियंट को मिला, या फिर किसी उसके कहने पे किसी और को मिला, तो उसको भी डेफिनेशन में कंसिडरेशन डेफिनेशन में इंक्लूड। मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यूनिनॉर हूँ, अब यूनिनॉर बोलता है एयरटेल को कि भैया आप बिहार में बिजनेस मत करना, मैं आपको इतना कंसिडरेशन दे दूंगा। बिहार में बिजनेस नहीं करने का उसको पैसा मिलता है, भाई बिहार में मेरा बनाया हुआ बिजनेस है, जमा हुआ है, आप ये एरिया में मत आना, मेरी टेरिटरी में आप कहीं और बिजनेस करना, इसके लिए आपको मेरी जो इनकम होगी इसमें से मैं 10% दे दूंगा या फिर लमसम पेमेंट 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जो भी है डिसाइडेड होता है वो मैं दे दूंगा। तो उसको कहते हैं फॉरबेरेंस।
अब एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने कोई डिपॉजिट दी तो उसको कंसिडरेशन गिना भी जा सकता है और कंसिडरेशन नहीं भी गिना जा सकता है, क्योंकि आपने समझ लो कि आपने मेरे को डिपॉजिट दी और वो डिपॉजिट को मैंने कंसिडरेशन के तहत ले लिया। इसमें क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। यानी कि मैंने आपसे डिपॉजिट ली पढ़ाने के लिए, अभी आपकी एग्जाम चल रही है आईपीसीसी की और उससे पहले ही मैंने डिपॉजिट ले ली कि भैया मेरे क्लासेस बहुत फुल हो रहे हैं तो आप डिपॉजिट दे दो, तो अगर आप निकल गए तो मैं आपको एडमिशन आपका फिक्स हो गया, अगर नहीं निकले तो की बात अलग है, लेकिन अब डिपॉजिट आपने दी और डिपॉजिट को मैंने क्या किया, एक ऐसे डिपॉजिट रखा या फिर आपकी फीस के सामने सेट ऑफ कर दिया। अगर फीस के सामने सेट ऑफ कर दिया तो उसको कंसिडरेशन गिना जाएगा और फीस के सामने सेट ऑफ नहीं किया तो वो डिपॉजिट गिना जाएगा, उसको कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। अब एक्शनेबल क्लेम में मैंने आपको सिंपल सा डेफिनेशन समझाया था कि कोई एक मेरे एक करोड़ के डेटर्स है, वो डेटर्स में पूरे बेच देते, डेटर्स में से 70 लाख के मैंने रिकवर कर लिए, 30 लाख के मैं बेच देता हूँ 15 लाख या 20 लाख में, तो उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। फिर मैन्युफैक्चर, एक डेफिनेशन हमने देखा था कि बिजनेस की डेफिनेशन में मैन्युफैक्चर को इंक्लूड किया गया, तो मैन्युफैक्चर क्या होता है, वो जब एक्साइज ड्यूटी था कोर्स में तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का लंबा सा उसके केस लॉज भी आते थे कि किसको मैन्युफैक्चर गिना जाएगा या नहीं गिना। यहाँ पे शॉर्ट है कि प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 72। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन एनी मैनर दैट रिजल्ट इन इमरजेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग अ डिफरेंट नेम कैरेक्टर एंड यूजेस एंड द टर्म मैन्युफैक्चर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। आपने कोई रॉ मटेरियल दिया या फिर कोई इनपुट दिया, उसमें आपने कोई ऐसी प्रोसेसिंग किया, उसमें से कुछ नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उसकी खासियत अलग है और उसका यूज अलग है। यानी कि आपने रॉ मटेरियल में डाला दूध, दूध का नाम दूध है, दूध का कैरेक्टरिस्टिक दूध के जो है वो है और यूज भी दूध का ही है, लेकिन आपने दूध को जब दही बनाया या फिर कोई और आइसक्रीम बनाया, समझ लो आइसक्रीम बनाया, तो उसका नाम बदल गया, कैरेक्टरिस्टिक बदल गया, दूध कैसा होता है, फीका सा होता है, आइसक्रीम कैसा होता है, टेस्टी होता है, और यूज क्या है, आप दूध पीते हो सुबह सुबह, कभी आइसक्रीम पीते हो सुबह सुबह, तो फिर इसका डिफरेंट यूज हो गया, डिफरेंट नेम कैरेक्टर और यूज। तो वो दूध था, उसको कोई प्रोसेस में डाला और वो प्रोसेस के एंड में कोई नया प्रोडक्ट इमर्ज हुआ, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चर। वो प्रोडक्ट के 3 चीज होने चाहिए, डिफरेंट नेम कैरेक्टरिस्टिक और यूज, उसका नाम अलग है, उसकी खासियत लक्षण अलग है और उसका इस्तेमाल अलग है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। अब डेफिनेशन आती है मनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 75। मनी का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, नॉर्मली मनी यानी के कैश करेंसी की नोट, करेंसी के सिक्के, फिर चेक, फॉरेन करेंसी, फिर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर। इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस का मतलब आप ई ट्रांसफ़र करते हो, NEFT वगैरह करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, पेटीएम और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन यूज्ड एज अ कंसीडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज विद एन इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर ड्यूमेस्मेटिक वैल्यू। ये सब चीज़ों का आपको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन कोई करेंसी, आप 200 साल पहला कोई पहले का कोई पुराना सिक्का या नोट है जिसको आप ने कलेक्ट करके रखा है, जैसे फिलाटेली कहते हैं ना, जैसे स्टैम्प कलेक्शन करने का शौक होता है किसी को, इसी तरह नए पुराने सिक्के, अलग अलग देशों के सिक्के, अलग अलग देशों की नोट्स कलेक्शन का किसी को शौक होता है, उसको न्यूमेस्मेटिक वैल्यू के लिए उसने कलेक्ट किया, तो उसको मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है।
डेफिनेशन है टैक्सेबल सप्लाई. टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेवियबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट. टैक्सेबल यानी कि जिसके पे के ऊपर टैक्स लिया जाता है उसको टैक्सेबल सप्लाई. फिर टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स टेरिटरी टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अप्लाई. अब ये प्रोविजन जीएसटी के प्रोविजंस पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है तो वो पूरी इंडिया की सारे स्टेट्स को टैक्सेबल टेरिटरी कहा जाता है. फिर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 पर्सन. पर्सन की डेफिनेशन तो आप इनकम टैक्स में भी आईपीसीसी में पढ़े हुए होंगे. उसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल यानी कोई एक बंदा या बंदी, राम लक्ष्मण सीता रावण एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई हिंदू रिलीजन की फैमिली है और उसमें एक कोई कर्ता होता है और उसकी डेफिनेशन भी अलग है लेकिन आपको वो नॉर्मली समझना है. उससे कर्ता होता है और उसके उसका अलग से पैन कार्ड नंबर आता है हिंदू है. फिर कंपनी. कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड होती है पब्लिक लिमिटेड होती है. फिर फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटर और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. फिर नेक्स्ट है एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया. फिर नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग लॉज है तो उसको भी पर्सन माना गया है. लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई यानी कि बीएमसी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्सन माना गया है. सोसाइटी एस डिफाइंड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ट्रस्ट एंड